डॉक्टर मिसेस पंकज, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 6 PHS HOS हूँ। और मुझे यहाँ पर अभी 3 साल 16 अगस्त को हो जाएंगे। ये स्कूल के बारे में हम कहना चाहेंगे कि जब एंटर किया जाता है तो उसकी दशा बिल्कुल देखते ही बनती है। उसकी गवर्नमेंट स्कूल लगता ही नहीं है, लगता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल कह के कोई गलती तो नहीं कर रहे। और यहाँ 4,000 बच्चे हैं, कोएड स्कूल है और सारी स्ट्रीम्स हैं, और हमारा रिजल्ट पहले से पूरा प्लस में गया है इस बार। और जबकि हमारा बहुत बड़े ज़्यादा संख्या में बच्चे थे जिन्होंने अपीयर किया था 10th और 12th में। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी डेस्क और SMC और हमारे स्टेट मैनेजर और सो मैनी थिंग्स जो कि हमें देखने को मिला, जिसकी हेल्प से हम स्कूल को आगे और अच्छे ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी पिछली सरकारों ने और इस सरकार के कार्यकाल कामकाज में बहुत फ़र्क आया है। पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वो इतना साउंड नहीं था जो आज है। बच्चों के लिए बेंचेज हैं, हमारे लिए स्टाफ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है, हमारा आप जाके देखेंगे जो ऑफिस है वो किसी IAS से कम नहीं है। स्कूलों में पहले की निस्बत बच्चों ने ज़्यादा प्रगति की है हर फील्ड में। गवर्नमेंट स्कूल में 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। इस स्कूल में आने से पहले जैसे मैंने सुना था कि गवर्नमेंट स्कूल की मतलब स्टीरियोटाइपिंग थी कि बच्चे दरी पे बैठते हैं, टीचर अच्छे नहीं होते हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। बट जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एंटर किया, अपना एडमिशन कराया, एंड जब मैंने यहाँ की फैसिलिटीज़ देखी, दैट्स फैंटास्टिक। आई लाइक देयर फैसिलिटीज सो मच। तो देखा आपने कि सरकारी स्कूलों का स्तर आज कितना बढ़ गया है, क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चों को हम जैसा अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे उसी हिसाब से पढ़ेंगे। आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हो रही है और बच्चों का शिक्षा के ऊपर सबसे पहला हक है, और ये सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। आप और हम मिलकर इस शिक्षा के स्तर को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब का मानना है कि देश के बच्चे पढ़ जाएंगे तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।